प्रिय श्रोतागण एवं मित्रों, मेरी हार्दिक अभिनंदन। सुखी रहें, संपन्न रहें। आपको जैसा मालूम भी है, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जो स्नेह प्यार आप लोग मुझको दे रहे हैं, मेरे प्रोग्राम को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसका मैं आभारी हूँ। आप लोग यही सही सम्मान मुझको देते रहिए। मेरा भी पूरा प्रयास है कि अपने छोटे छोटे प्रोग्राम के माध्यम से आपको अधिक से अधिक कुंडली देखने का ज्ञान प्राप्त करें। अगर आप लोग इसी तरीके से मेरे प्रोग्राम को देखते रहेंगे तो खुद कुंडली देखने के ज्ञाता हो जाएंगे, कहीं आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज आप लोग को एक बहुत अच्छा, वैसे तो मैं बहुत प्रोग्राम बनाया हूँ, मगर आज प्रस्तुत कर रहा हूँ शनि कुंडली के प्रत्येक भाव में। अब शब्द प्रत्येक भाव में किस प्रकार का कैसा प्रभाव देता है, ये राशि से मतलब नहीं है, लग्न से मतलब नहीं, भाव से मतलब है कि किस भाव में क्या प्रभाव देता है। जिसका लग्न में शनि बैठा हुआ है ऐसे लोग जिद्दी होते हैं, ऐसे लोग की बुद्धि मंद होती है, ऐसे लोग कभी उन्नति नहीं कर पाते। जिसका दूसरे भाव में शनि बैठा हुआ है वो पूर्ण साधन संपन्न होते हैं, स्वयं निर्माणकर्ता होते हैं, जीवन में कभी कर्जदार नहीं होते। जिसका तीसरे भाव में शनि बैठा हुआ है ऐसे लोग माता पिता का अच्छा सुख पाते हैं, भाई बंधुओं का सुख पाते हैं, कभी बचपन से ही ये गरीबी नहीं देखते। जिसका चौथे भाव में शनि बैठा हुआ है ये भाग्यशाली होते हैं, ऐसे लोग अचानक पद पाते हैं, अचानक धन पाते हैं, अचानक उन्नति करते हैं। जिसके पांचवें भाव में शनि बैठा हुआ है ऐसे लोग की शिक्षा अधूरी रह जाती है, ऐसे लोग इच्छानुसार शिक्षा नहीं प्राप्त करते, जिससे इनका कैरियर खराब होता है। जिसका छठवें भाव में शनि बैठा हुआ है ये शत्रुओं से परेशान रहते हैं, मित्रों से परेशान रहते हैं, अधिकारियों से परेशान रहते हैं, कई केस मुकदमा लड़ते हैं, जेल जाने की संभावना भी बनती है। जिसका सातवें भाव में शनि बैठा हुआ है, सातवां भाव शनि का उच्च का होता है, ऐसे लोग राजा के समान उन्नति करते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, संसद होते हैं, विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, समाज में पूजे जाते हैं। जिसके आठवें भाव में शनि बैठा हुआ है ये शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं, मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, इनको अनेकों रोगों का सामना करना पड़ता है। जिसका नौवें घर में शनि बैठा हुआ है इनको कभी जीवन में परिश्रम से का लाभ नहीं मिलता है, हमेशा कर्जे में रहते हैं, आर्थिक उन्नति नहीं होती है, नौकरी में है तो पदोन्नति नहीं होती है, व्यापार में है तो उतार चढ़ाव बना रहता है। जिसका दसवें भाव में शनि बैठा हुआ है ऐसे लोग पूर्ण इच्छानुसार उन्नति करते हैं, इनके जीवन में जो भी धन दौलत इज्जत प्रतिष्ठा रहती है स्वयं का बनाया हुआ रहता है, ये समाज में ईश्वर के समान पूजे जाते हैं, इनको किसी साधन की कमी नहीं। जिसका ग्रहमय भाव में शनि बैठा हुआ है, क्या बात है, ऐसे लोग कम परिश्रम में अच्छा धन कम पाते हैं, अच्छी उन्नति करते हैं, ऐसे लोग को गुप्त धन भी मिलता है, इनको जमीन संबंधी धन मिलता है, इनको मित्रों से भी धन की प्राप्ति होती है। जिसके बारहवें भाव में शनि बैठा हुआ है ऐसे इन लोगों का पारिवारिक जीवन नहीं सही से अच्छा होता है, संतान योग्य नहीं होते हैं, संतान के विचारों से मतभेद रहता है, इनके चौथा समय जिसको बुढ़ापा कहते हैं ये कष्टकारक होता है। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, इसको सुनिए। अगर कोई मित्रगण अपने कुंडली का मेरे द्वारा विश्लेषण कराना चाहता है तो प्रत्येक प्रोग्राम में मैं फ़ोन नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा फ़ोन नंबर 9425308111 है, इस पर संपर्क करिए। आपको कुछ फीस शुल्क देना होगा, शुल्क हमसे पूछ कर देंगे तो मैं विवेचन कर दूँगा। इतना कहते हुए आपसे विदा ले रहा हूँ, नमस्कार।